नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एस्ट्रोलॉजिकल गुरुजी में। और हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में ही बेल आइकन को दबाएं, जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हैं। तो प्लीज इस वीडियो को टक से लाइक कर दे, लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाएगा, तो प्लीज लाइक कर दे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, महान आचार्य शुक्रदेव ने अपनी नीति में वैश्या के ऐसे गुण का वर्णन किया है, अगर कोई व्यक्ति जीवन में कामयाब बनना चाहता है और अपने जीवन से निराशा को समाप्त करना चाहता है और उन्नति के मार्ग पर प्रशस्त होकर चलना चाहता है, तो उसे वैश्या से एक बात अवश्य सीख लेनी चाहिए। दोस्तों, महान आचार्य शुक्रदेव ने अपनी नीति में ही पुरुष एवं स्त्री के कई लक्षणों के बारे में बताया है। शुक्रदेव के अनुसार बुद्धिमान पुरुष बिरले ही होते हैं, परंतु संसार में मूर्खों की भरमार है। मूर्ख पुरुष स्वयं को ही महाज्ञानी समझकर विचरता है, तो उसके उलट एक बुद्धिमान व्यक्ति कभी दूसरों को तुच्छ नहीं समझता। वह सभी का आदर सत्कार करने वाला होता है। शुक्रदेव स्त्रियों के भी कई प्रकार के लक्षण बताए हैं। एक दुष्ट चरित्रहीन तथा निर्दय स्त्री कैसी होती है और चरित्रवान सर्वगुण संपन्न और दयालु स्त्री कैसी होती है, हम उनके आचरण से उनके स्वभाव का पता लगा सकते हैं और उन्हें सावधान रह सकते हैं। इसके साथ ही शुक्रदेव ने मनुष्य को जीवन में उन्नति करने के लिए कई प्रकार के उपाय बताए हैं। उन्होंने पुरुषों को अपने दुर्गुणों का त्याग करके सत्गुणों का धारण कर संसार के कल्याण के लिए कार्य करने के लिए प्रेरित किया है। शुक्रदेव कहते हैं कि मनुष्य चाहे दुष्ट हो या भला, मूर्ख हो या पापी, सभी से कुछ ना कुछ सीखा जा सकता है। उसी प्रकार एक वैश्या के पास भी ऐसा गुण होता है जो पुरुषों के लिए उपयोगी है। यदि कोई पुरुष जीवन में उन्नति करना चाहता है तो वैश्या से एक बात अवश्य सीख ले। दोस्तों, वैश्याओं को समाज में कोई सम्मान नहीं देता। प्राचीन काल से ही समाज वैश्याओं को तुच्छ श्रेणी में रखता आया है। उन्हें कभी भी सम्मान की नजर से नहीं देखा गया, ना ही उसकी संतान को और ना ही उसके द्वार पर जाने वाले पुरुष को किसी प्रकार का सम्मान प्राप्त होता है। वैश्या का स्थान पाप कर्मों से भरा हुआ होता है। इसके साथ ही अगर कोई स्त्री पति के होते हुए भी अन्य पुरुषों के साथ संबंध रखती है तो उसे भी व्यभिचारिणी कहा जाता है। शुक्रदेव के अनुसार ऋण कर्ता पिता शत्रु, शत्रु रमा पिता व्यभिचारिणी, अर्थात कर्ज और ब्याज लेकर जीवन व्यतीत करने वाला पिता शत्रु होता है, वही व्यभिचार करने वाली माता भी शत्रु है, क्योंकि इनके पाप कर्मों की सजा उनके संतानों को मिलता है। ऐसे माता पिता के कारण उनके पुत्र अपना संपूर्ण जीवन अपमान एवं कष्ट में ही बिताते हैं। तो आइए दोस्तों, जान लेते हैं शुक्रदेव ने एक पुरुष को वैश्या से क्या सीखने के लिए कहा है। शुक्रदेव कहते हैं, तदर्थम गत्वापि तदंधाति जाति वैश्या विधावापि वशीकृतम नरम क्षमा नियत कस्य तदम तदा स्वाधीनम कार्यक जगत। इस श्लोक में शुक्राचार्य ने वैश्या के एक बहुत ही महत्वपूर्ण गुण का वर्णन किया है। शुक्रदेव कहते हैं कि जैसे एक वैश्या किसी आदमी से धन लेकर उसकी वशवर्ती नहीं बनती और खुद तो उसके अधीन नहीं होती, पर उसके अधीन बनाने में सक्षम होती है, ठीक उसी तरह किसी भी पुरुष को चाहिए कि वह किसी के अधीन ना होकर सारी दुनिया को अपने अधीन बनाए। सरल अर्थ यह है कि एक वैश्या जो कई प्रकार के पुरुषों से पैसे लेकर उनके संग प्रसंग करती है, तो कभी उनके एक पुरुष की दासी बनकर नहीं रहती, लेकिन उस पुरुष का अपना दास बनाने में सक्षम होती है। क्योंकि अगर पुरुष मूर्ख और नीच हो तो वह उल्टा वैश्या उस नीच पुरुष को तुरंत ही अपना दास बना लेती है और उसका धन लूटकर उसे नष्ट कर देती है। उसी प्रकार किसी भी पुरुष को दूसरों का दास बनकर जीवन व्यतीत नहीं करना चाहिए, बल्कि स्वयं में इतना सामर्थ्य उत्पन्न करना चाहिए कि वह दूसरों को अपने अधीन बनाए। उसे दूसरों के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता ना पड़े, बल्कि दूसरे लोग उसके सामने हाथ फैलाए, लोग उसके दास बने। दूसरों का दास बनकर जीवन जीना नीचता है, ऐसे पुरुष कभी उन्नति नहीं कर पाते। तो दोस्तों, यह थी वह महत्वपूर्ण बात जो एक वैश्या से हम सीख सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।